क्षत्रियवंशी है हम चंद्रवंशी, हमारे रक्त में भी वीरों का खून है और हमारे इतिहास में भी उपासना होगी, उपहास होगा, हंसेंगे लोग हम पर, रणछोड़ कहेंगे। अब मेरे बांके बिहारी जी तो माखन चोर हैं ही, क्या होता है कहने दो भैया, माखन तो चुराए हैं, माखन चोर तो कहलाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। उन हजारों पंडितों को कष्ट के खातिर आज हम रणछोर भी बन सकते हैं और फिर वहीं से मेरे गोविंद का नाम जब रण को छोड़कर भाग गए तो रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। ये भी कृष्ण ने स्वीकार कर लिया है और भगवान पर्वत पर चढ़ गए हैं और जरासंध ने उस पर्वत को आग लगा दी, प्रभु ने छलांग लगा दी समुद्र किनारे और उस समुद्र के अंदर आज विश्वकर्मा भगवान का आवाहन करके उन्होंने रात भर में जल के अंदर ही द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। सोने की द्वारिका है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है और सोते हुए सभी अधिवंशों को उन्होंने द्वारिका बुला लिया। और इसी बीच रेवत नाम की जो राजा की पुत्री है रेवती, रेवती का विवाह बलराम भैया से हो गया और द्वारिका के राजा बन के श्री द्वारिकाधीश कहनाने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब कृष्ण जी द्वारिका के राजा बन गए हैं, अब सोच रहे हैं बड़े भैया बलराम का तो विवाह हो गया, अब हमारा विवाह होना है। अब सुखदेव महाराज जी यही प्रसंग आज सुना रहे हैं, एक ऐसा प्रसंग है, अद्भुत है, अद्भुत। एक भीष्मकदाग नाम के राजा थे और कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके पांच पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम था उनका रुक्मी और उनकी कोई पुत्री नहीं थी। बड़ी तपस्या की, समुद्र के कमल के फूल में उन्होंने एक सुंदर नन्ही बालिका को पाया, उसी का नाम आज रुक्मणी है। अब उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आ गए और भीष्मक ने अपनी कन्या को अपनी पत्नी को सौंप दिया है। प्रसन्न होकर बोले, हमें पुत्री मिली, बड़ी भाग्य की बात है, रुक्मणी जी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया, मन में संकल्प किया कि इसका मथुराधिपति श्री द्वारिकानाथ से इसकी शादी करूंगा, ऐसा मन में उन्होंने संकल्प ले लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी घर में पुत्र बड़ा होता है तो पिता की आज्ञा नहीं मानता। अब बड़े पुत्र रुक्मी ने तो शिशुपाल से सगाई करने की चाह रखी है, पिताजी से बोले कि स्वयंवर रखेंगे, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे और उसमें शिशुपाल भी आएंगे। रुक्मी को बोलना, रुक्मणी को, कि शिशुपाल के गले में वरमाला पहनाएगी। अब रुक्मणी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी को बुलाया है और अपनी भाभी को हाल सुनाया कि भाभी, मैंने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश को उस पति परमेश्वर माना है जो सभी के पति हैं, और भैया ने इधर शिशुपाल से मेरी सगाई की ठान ली है। भाभी कहती है कि मन छोटा मत कर, एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश भगवान के पास और श्री कृष्ण को स्वयं उस स्वयंवर में आमंत्रित करो कि स्वयंवर में आए और वरमाला डाल दें। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और इस पत्र को पंडित जी द्वारा द्वारिका भेजा जा रहा है। और कितना सुंदर पत्र लिखती हैं रुक्मणी जी, दर्शन करें। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतं ते निर्विकस्य कर्णवीरोत्गातापहम् रूपं दृशादृशमं तामखिलार्थलाभं त्वयच्चायुता विशति चित्रं पत्रं मे। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है और आपको कभी तो आंखों से देखा नहीं, बस सुना है आपके उस गुण को और आप सोचेंगे कि ये कौन सी नारी है जो मुझे पत्र लिख रही है, मुझे पत्र लिखा है।
ऐसी कौन सी नारी है जो आपको एक बार देखने के बाद आपको ऊपर मोहित ना हो, आपकी सौंदर्य उस रूप के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर, सिंह को उस वस्तु, जो वस्तु है जैसे रुक्मणी माता है उसको सियार ले जाए, ये कहाँ का न्याय है। और मेरी सगाई मेरे भैया ने शिशुपाल से तय कर दी है, परसों स्वयंवर है और मैं शिशुपाल के साथ कभी विवाह नहीं कर सकती, आप नहीं आए तो मैं इस शरीर का त्याग दे दूंगी। और रुक्मणी ही अपने पुष्पत्र के प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे रही है, मैं अंतःपुर में रहती हूँ, मैं तुम्हें लेकर आऊँगा कैसे। यदि आप ये सोच रहे ना गोपाल, तो हमारे कुल की एक परंपरा है, ऐसी परंपरा है विवाह से पहले बेटियां कात्यायनी के मंदिर जाती हैं उस माता की पूजा करने के लिए। और ये पत्र आप पंडित जी द्वारिकाधीश को बता रहे हैं और पंडित जी अब रथ में बैठकर प्रस्थान करने लगे। अब बलराम भैया ने उन्हें देख लिया है तो तब बोल रहे हैं कि पंडित जी कहां से आ रहे हैं, क्या करने यहां आए थे और कहां जा रहे हैं, कहां आपका पता है। पंडित जी बोले कुंडलपुर जा रहे हैं, कल रुक्मणी का स्वयंवर है। अब बलराम भी अभी सोच में लग गए कि स्वयंवर है तो कृष्ण का भी तो विवाह नहीं हुआ है, हमें भी चलना चाहिए। अब बलराम जी ने सेनापति की ओर टेढ़ी नजरों से इशारा किया और बता दिया कि वहां कृष्ण की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहां शिशुपाल जैसा दुष्ट है, ना जाने हमारा गोपाल अकेला ना पड़ जाए। अब अपने भाई के प्रति प्रेम है, वही प्रेम आज प्रकट कर रहे हैं बलराम भैया। अब कृष्ण कुंडलिनपुर आए हैं, सब राजा लोग पहुंचे, भीष्मक ने कृष्ण का स्वागत किया और अब स्वयंवर है तो कृष्ण को भी नहीं रोक सकते। अब विवाह से पहले माँ भगवती की पूजा करने जा रहे हैं रुक्मणी जी, और उनके साथ उनकी सखियां चल रही हैं और पूजन के लिए उस मंदिर में पहुंची हैं और माँ कात्यायनी के सामने यही स्तुति कर रही हैं। कैसी कर रही है, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गौरी तेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय गौरी पति रूप में मिल जाए। और इतना कहना था कि माँ कात्यायनी के
हाथ से पुष्प गिरा है और शुभ लक्षण का वो संकेत दे दिया है। अब 10,000 सैनिकों के बीच सुरक्षा में खड़े हैं और मंदिर के पीछे से मेरे गोपाल जी आ रहे हैं। अब जैसे ही कृष्ण जी आ रहे हैं, द्वारिकानाथ जी आ रहे हैं, अब किससे मिलना हो, क्या बात हो, अब सैनिक खड़े हैं उनकी सुरक्षा में, उनकी रक्षा के लिए रुक्मणी की। और एक सैनिक अब देख रहा है, क्या देख रहा है, अरे इतना प्यारा है, सुंदर है, कितना अद्भुत श्रृंगार है, देखो तो उसके पीताम्बर कैसा अद्भुत पीताम्बर धारी है, मोर मुकुट धारी है, उसके चरण पादुका देखो कितनी सुंदर है। कोई पादुका देखता है, कोई पीताम्बर देखता है, और एक सैनिक बोल रहा है, अरे प्रिया उसकी कमर का वो गर्दन तो देखो, वो कितनी सुंदर मुरली वहां पर लगी है, आहा कितना सुंदर है दिव्य मेरे प्रभु का स्वरूप। और भगवान रुक्मणी जी के पास जैसे पहुंचे हैं, रुक्मणी जी को मेरे गोविंद ने वरमाला पहना दी और सैनिक देख रहे हैं उसका शरीर, उसका नीलमणि जैसा चमकता हुआ सौंदर्य। और फिर मेरे गोविंद ने रुक्मणी जी को उठाया है और रथ की ओर बढ़े हैं। अब एक सैनिक देख रहा है कैसी अद्भुत झांकी है, मेरे बाल कृष्णलाल जी रुक्मणी मैया को गोद में लेकर रथ की ओर बढ़ रहे हैं। दर्शन कीजिए उस दिव्य झांकी का, इतनी सुंदर चाल है, टेढ़ी चाल, मतवाली चाल। और रुक्मणी को रथ में बैठा कर स्वयं श्री कृष्ण जी बैठ गए, जरा चलने लगे, घोड़े दौड़ने लगे हैं और रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हैं। अब सैनिक देख रहे हैं, पता नहीं कहां से आया है, कितना सुंदर वर्ण का है, मुस्कुराता है। और सैनिक भी उस दृश्य को देखकर अपने मन में बसा रहे हैं, ध्यान मग्न हो गए हैं, निहाल हो गए हैं। अब एक सैनिक बोला, शब्द तो ठीक है भैया, लेकिन देखिए रुक्मणी मैया कहाँ है, अंदर मंदिर में बैठी है या नहीं, पूजा कर रही है या नहीं। अब मंदिर में देखा तो रुक्मणी मैया नहीं है, पता नहीं मालूम, पता नहीं चला कहाँ चली गई। एक सैनिक दूसरे सैनिक से अब पूछ रहे हैं, वो तो कृष्ण की सौंदर्य में देखने में मग्न है, कब आए मेरे गोविंद और उसको उठा कर ले गए हैं, पता नहीं चला उनको। कोई मुकुट देखने लगा था, कोई क्या देखने लगा था, और किसी ने रोका नहीं। अब ले तो गए, अब इधर उधर भागे हैं, हल्ला मचा है। और भगवान ने भी उन सैनिकों को परास्त किया, रोकने के लिए गए तो। और रुक्मणी जी के जो बड़े भाई हैं रुक्मी, उनको पता चला और कहा कि कहाँ गया रुक्मणी मैया, कहाँ गई, पता करो, जाओ देखो कहाँ है वो। सैनिकों ने कहा, एक सांवला सलोना पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी बंसीधारी आया था और 10,000 सैनिकों के बीच से उन्हें उड़ा कर ले गया, चुरा कर ले गया, पता नहीं चला। अब कृष्ण का पीछा रुक्मणी के भाई जी कर रहे हैं रुक्मिया, और उनसे कृष्ण भगवान से युद्ध हुआ है, कृष्ण ने उनको पकड़कर रथ पर बिठाकर उनकी आधी दाढ़ी मूछ मुड़ दी है और रथ के चक्के में बांध दिया है। अब बलराम जी ने आकर उन्हें छुड़ाया है। अब रुक्मणी मैया को भी दया आ गई, उनके भैया हैं, मत मारना मत मारना। भीष्मक राजा ने भी आकर रुक्मी से कहा, बेटा जब मेरी पुत्री 1.5 वर्ष की थी तब संत नारद आए थे और कहा था कि रुक्मणी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी का विवाह नारायण से होता है, हमें भी नारायण जी से, मेरे गोविंद से उनका विवाह करना चाहिए और इस दुश्मनी को मिटाओ और सुंदर विवाह करते हैं। और फिर मेरे गोविंद का विवाह रुक्मणी मैया से हो रहा है।
बाबा ने कन्यादान किया और कुमकुम पत्रिका भेजी है द्वारिका, और अब बारात लेकर मेरे द्वारिकाधीश आ रहे हैं। अद्भुत झांकी है, अद्भुत दृश्य है। आइए हम सब मिलकर आज उस दिव्य रुक्मणी मंगल को आप और हम सब मनाएं। और मेरे श्याम की आज शादी हो रही है, अब शादी हो रही है। अब शादी में तो क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, नाचते हैं। तो मेरे कृष्ण का शादी है आज तो रुक्मणी मैया से, तो क्या करना पड़ेगा आप सभी को, राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे एक बार और जोर से कर। आज की इस कथा को यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु के चरणों में उस दिव्य कथा को समर्पित करते हुए, आइए आप और हम सब मिलकर उस रुक्मणी मंगल का आनंद लें, उत्साह करें, झूमे नाचे तनमय होकर।